आपके पास में धर्मशास्त्र बाइबल है और निकालिए वहां से मत्ती का किताब 6 अध्याय उसकी, आज थोड़ा सा लंबा प्रभु का वचन है, मैं पढूं 6 अध्याय का 25 से लेकर हम 34 तक पढ़ेंगे। यदि आपके पास में धर्मशास्त्र बाइबल है आप निकालिए। यहाँ लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो, वे ना बोते हैं ना काटते हैं ना खतों में बटोरते हैं और फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी बढ़ा सकता है और वस्त्र के लिए चिंता करके और जंगली सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे न तो परिश्रम करते न काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर के मैदान की घास को जो आज है और कल भाण में झुक जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासी तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों न पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों की खोज में रहते हैं, परंतु तुम्हारी स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम में इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आमीन। आज ये वचन परमेश्वर ने हमें दिया है और मैं आज यहां से आपके बोलना चाहता हूं, भाई बहन देखो ये वचन मैंने तो वैसे दूसरी वचन में परमेश्वर के वचन से तैयार कर रहा था, लेकिन दूसरी रात से परमेश्वर के वचन आत्मा ने मुझे ये बातें बोला और ये बातें हरेक विश्वासियों के लिए हरेक लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जरूरी बातें हैं। तो इसलिए आज मैंने बोलने का शीर्षक दिया कि चिंता मुक्त जीवन जीना। चिंता मुक्त जीवन मतलब लिविंग विद अ वरी फ्री लाइफ, चिंता मुक्त जीवन होना जीना। कैसे जी सकते हैं? हर एक के जीवन में जितने लोग यहाँ आए बैठे हैं, जब आराधना करते हैं कोई भी करता है, एक ना कोई ना कोई बात हम सोचते हैं, चिंता हमारे जीवन में बढ़ी रहती है। चिंता हर एक के जीवन में होता है। मैं नहीं बोला कि चिंता मत करो, ऐसे नहीं बोला। चिंता मुक्त कैसे हो सकते हैं? चिंता हर एक के जीवन में, वरी एंग्जियस सबके जीवन में चिंता है ना। किसी की परिवार की चिंता है, किसी के बच्चों की चिंता है, किसी की अपने अनेक बीमारियों की चिंता है, कर्जा की चिंता है, सब तमाम प्रकार की चिंता हमारे जीवन में है। और ये चिंता से हमें कैसे, और चिंता से ये हम सबके जीवन में चिंता। मैं नहीं बोलता हूँ कि चिंता नहीं है, मैं यहाँ चिंता नहीं है करता हूँ इसलिए मैं खड़ा हूँ आपको सिखाने के लिए, ये नहीं। हमारे जीवन में भी चिंता आती है, हमारे जीवन में भी चिंता आता है, लेकिन रहा हमें प्रभु यीशु को पाने के बाद हमें कैसे उससे निकलना है वो जानना बहुत जरूरी है। आमीन। यदि नहीं, चिंता आती है, सब लोग चिंता करते हैं, दुनिया के बंदे लोग भी चिंता करते हैं और हम विश्वासी होकर भी चिंता करते हैं और हम चिंता होते में होता है तो क्या फायदा है हमारे लिए? बोलकर हम कितने दफा निराश भी होगा, कितने दफा हम परेशान भी होंगे, लेकिन भाई बहन आपको मैं बताना चाहता हूं हमें ये चिंता जो चीजें हैं हमारे जीवन में बहुत ही एक खतरनाक बीमारी है। या आपकी सोच का रोग क्या है? आप हो सकते हैं आप शरीर में सोचते हैं, लेकिन आप जब सोचते हैं तो आपका सोच का रोग एक है, ये चिंता है। ये सोच का रोग क्या होता है? सोच जब सब कोई भी बातें अभी यहां बताए जाए, कोई भी बातें हो अपने उस बात को सोचने लगेंगे, ये जो बातें सोचने लगेंगे यही बातें आपके जीवन में चिंता बन जाता है और यही चिंता क्या करेगा, आपको चिंता में परिणाम कर देता है। इसलिए आज परमेश्वर के वचन से मैंने नहीं कह रहा हूं, प्रभु यीशु कहते हैं चिंता ना करो। परमेश्वर के वचन कह रहे बार बार यीशु मसीह ने इस आयत में आपने कितने बार देखा कि चिंता ना करो, प्रभु यीशु कहते हैं कि 3 बार मैं देखा 25 में और यदि आप देखो 31 में और 34 में चिंता ना करो। मेरे प्रभु ने बोला, प्रभु यीशु एक कोई भी बातें बोल देते हैं उसका मतलब होता है और या 3-3 बार एक ही जगह में बोला है कि
चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। लेकिन यह चिंता ये हमारे जीवन में आती है। आप बोलेंगे प्रचारक जी आप खड़े होकर चिंता ना करो बोलना में आसान है, लेकिन आसान हो जाता है, लेकिन ये चिंता आ जाती है। आपकी चिंता कहां से आती है पता ही नहीं चलता है ना, ऐसा चीज है। लेकिन मैं आज क्या बोलना चाहता हूं, ये चिंता मुक्त हम कैसे हो सकते हैं, ये चिंता मुक्त होकर एक वरी फ्री लाइफ हम कैसे जी सकते हैं। जहां भी हम जाते हैं कोई ना कोई समस्या आती है, चिंता बताते हैं, उस मुश्किल लेते हैं। इसलिए मैं आज इसके आपने सुना होगा ये टॉपिक्स बहुत आसान है, आपको बहुत सारे लोगों को ये आसान हो जाता है बताने के लिए। लेकिन आप खुद ही डॉक्टर बोलता है चिंता ना करो, लेकिन खुद डॉक्टर चिंता करके परेशान में हो जाता है। हम चाहते है कि नहीं, कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, डॉक्टर लोग भी सुसाइड कर लेते हैं, चिंता ना करो बोलते हैं दूसरों को, लेकिन अपने को चिंता करता है। लेकिन हम परमेश्वर के लोगों को यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि चिंता ना करो। यहाँ चीजें में बहुत सारी चीजें बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। यदि आप गौर करके देखेंगे पंछियों की उदाहरण दिया है, ये पंछी ना तो बोते हैं, ना तो काटते हैं, ना तो बटोरते हैं, लेकिन इनके लिए भी खुदावन परमेश्वर खिलाता है। आमेन। और तुम तो बहुत मूल्यवान चीज है, इंसान ऐसी चीज है खुदा के दृष्टि में बहुत मूल्यवान चीज है, बहुत ही कीमती चीज है। लेकिन हम जब इस चीज को समझ लेते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे जीवन से हर एक प्रकार की चिंताओं को मुक्त होता है, चिंताओं से हम परेशान क्या होता है, हम मुक्त होना शुरू कर देते हैं। भाई बहन, मैं अपने जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मैं आज तक इतने दुनिया इतने प्रभु के विश्वास करके यहां तक चलने में, यहां तक आने में, यहां तक खड़े होने में ये परमेश्वर ने मुझे संभाला है। एक ही बात मैं आपको बोलता हूं, मैंने परमेश्वर में भरोसा रखना सीखा है। परमेश्वर की चिंता आती है, आप नहीं बोल सकते हो कि चिंता नहीं है, मैं चिंता नहीं करता हूं, ऐसा गलत बात है। क्योंकि हरेक लोग चिंता से परेशान है। आज यहाँ चिंता कितने लोग आए हैं बैठे हो और आपके मन में और बहुत चाह चल रही है, आप चिंता कर रहे हो और क्या होने वाला है, कल मेरा क्या होने वाला, बीता हुआ समय आकर आपको परेशान कर रहा है, कल के समय आपको परेशान कर रहा है, अभी वर्तमान समय में आपकी पहाड़ क्या चल रही है, आपके घर में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चों में क्या चल रहा है, ये भी परेशान कर रहा है, ये भी हमें परेशान कर रहा है। लेकिन यहाँ जगह में जब आते हैं कि आपने कुछ समय दो घंटे खूब परमेश्वर की आराधना यहाँ हो रहा था, सब परमेश्वर में उमंगन हो रहे थे, अपने दो घंटे को कभी एक आनंद से भरे जैसा आनंद अपना महसूस करते हैं। जब ये दरवाजे से बाहर निकलोगे वो दुनिया के बाहर फिर आपको एक जीवन में आता है। छह दिन आप बहुत ही परेशान में रहते हैं, छह दिन ऐसा होता है कि कब संडे आएगा, कोई कितने देखो तो संडे भी मतलब नहीं रखता है। लेकिन बहुत कितने लोगों को ऐसा जीवन में बंद करो प्लीज, अब फोन बंद करो, कृपया आप यहाँ पे सुनो। अभी मैं ज्यादा समय आपको नहीं लूंगा, मेरे पास जो समय है आपको ये बता दूं कि आप प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमें क्या करना चाहिए। देखो परमेश्वर के वचन कहता है यहाँ पर, जैसा अभी एक फूल की उदाहरण भी प्रभु यीशु दे रहे हैं, प्रभु फूल भी सुबह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, शाम को मुरझा जाती है, और इन चीजों के लिए भी परमेश्वर पहनाता है, कपड़े पहनाता है। परमेश्वर कह रहा है इसलिए जब परमेश्वर के मैदान घास को जो आज है और कल क्या हो गया भाड़ में झोंक जाएगी ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी तुमको इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा, परमेश्वर कह रहा है। चिंता मतलब ये है कि जो मन में अनेक प्रकार की असुविधाएं को महसूस करना, मतलब अपने माइंड में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होना, मतलब आपके मन में क्या क्या बातें चलना। कोई भी बात आप सुनते हैं वो बात ये दिमाग में आता है, ये दिमाग में आने के बाद हम क्या करते हैं उसको चिंता में हो जाती है हमारे जीवन में। अभी अच्छी बात परमेश्वर के वचन में लिखा, इसलिए नीति वचन का 12 अध्याय उसकी 25-60 में लिखा है, प्रभु के वचन लिखा है कि जब तुम्हारा मन खेदित हो जाता है तो तुम परेशान में हो जाते हो, जब तुम्हारे मन में अच्छी बातें बोले जाते हैं तो तुम क्या हो जाते हो, प्रफुल्लित हो जाते हो, खुश हो जाते हो। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। इसलिए जो भी हमें हमारे जीवन में बात सुनते हैं, जो भी बातें हमारे मन में आती है, जो भी हमें कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, ये सब आता है, एक प्रकार की चिंता हमारे जीवन में आती है।
और हमारे जीवन में बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई लोग तो ये चिंता की वजह से चिता भी बन जाते हैं, चिता मतलब अपने आप को खत्म भी कर लेते हैं। इसलिए आज एक बहुत मुख्य बातें हम सुनने जा रहे हैं, प्रभु बताना जा रहा है हम सबके लिए कि बाइबल क्या करना चाहिए। कल मैं यहाँ पर था चर्च में और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर ने कल एक बहन आई, काफी परेशान में होकर आई, काफी चिंता में होकर आई, परिवार लेकर अपना पति अपने बाप को लेके आई यहां मंडली में। डॉक्टर के पास गई और उसका अभी 9 महीना का बच्चा होने वाला था और वो बच्चे 9 महीने का बच्चे को डॉक्टर ने बोला, मैं आपको अभी एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से मुझे उसने बोला, उसने मेरे सबको मैं दिखा देना चाहता हूँ। उसने एक डॉक्टर की रिपोर्ट लेके आई और एक रिपोर्ट लेके आने के बाद वो बोलती है कि ये रिपोर्ट है, एक्सरे का उसका रिपोर्ट है, यहाँ पर बच्चा डेड हो गया है और ऐसी परेशान में है, बोलकर उसने मुझे अल्ट्रासाउंड भेजा और लेके आई, दिखाई, परेशान में थी, बहुत चिंता में पड़ी हुई थी। जब चिंता में आकर बैठी हुई थी तो मैंने, चलो वो लोग नेपाली चर्च में आने वाले आते थे पहले लेकिन अभी नहीं आते थे और अभी मुश्किल में पड़ा। डॉक्टर ने 6 महीने से बोला तुम्हारा बच्चा अंदर में मर गया है और 9 महीना है और जो दाई बोलने वाले उसको संभालने वाले भी छोड़ दिया, अचानक सबको पता चल गया, अभी तेरे माँ को बचाना है या बच्चे को बचाना है, ऐसा बोल के हिमस्थान कर रहा है, लेकिन मेरा याद आया अभी चर्च में आई हूँ। तो ये डेथ सर्टिफिकेट का वो लेके आई, अपने बच्चे पेट में मरा हुआ अल्ट्रासाउंड लेके आई, जब यहाँ प्रेयर करके गई, यहाँ से तेल प्रेयर करके गई और बैठी पर मैंने उसको हौसला दिया, मैंने उससे उन्नति दिया। दुनिया के डॉक्टर बोलता है तेरे को तेरे बच्चा मरा गया है, अभी निकालना है, तेरा जीवन बचाना है या इसको बचाना है, और तुम सोच ले, बोल के बोल दिया। तो मैंने सोचा मैं फिर मैं वहां से हॉस्पिटल से निकल के आई और सीधा यहाँ चर्च में आई और वो बातें बोलकर बहुत रो रही है। उसका पति निराश में है, चिंता में है, कहीं रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ आकर खुदा की हजूरी में आकर जब उन लोगों ने प्रार्थना कराया और प्रार्थना करने के बाद मैंने उसको बोला ये बच्चा को अपने अपने लेकर नहीं, अपने जाकर वो नहीं करना है, अपने ऑपरेशन नहीं करना है, आज रात को 10-11 बजे तक आप इंतजार करो, आज कल संडे है, अब कहाँ जाओगे, अब 6 बज गया है, बोलकर ऐसे बहुत परेशान में था मैंने। तो जब उसके लिए यहाँ से दुआ करके लेके गए और उनने भी सही प्रभु के वचन से मैंने उनको बहुत समझाया, जब घर में गए मेरे को 10:30 बजे उनका फोन आया, सुबह से ही वो बच्चा पेट में कोई मोशन नहीं है, कोई नहीं चल रहा है और ये सर्टिफिकेट डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड करा के ले गया, अल्ट्रासाउंड में बच्चा डेड निकला, मरते देखा। लेकिन जब यहाँ से गई और एक लेडीज को ऐसा होता है तो क्या परेशानी होगी, उसकी चिंता कितनी होगी वो पता नहीं है, और पति उसका बाप इतना रोते हुए चर्च में आया। जब वो यहाँ से गए मैंने उनको हौसला दिया, प्रार्थना किया और उत्साह से वहां पढ़कर यहाँ से गई और वो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, कहीं जगह में नहीं गई और रात को मुझे 10 बजे उसकी कॉल आई और बोलती है कि आप, जब मेरे फोन 2-3 बार फोन आया, मैं कई जगह में मीटिंग में प्रेयर में था, वहां से घर में आपस में उठाया नहीं, तब परमेश्वर की ऐसी आत्मा हुआ, उसने खुशी होकर बताई कि जब परमेश्वर मेरे जो आपने तेल प्रेयर करके दिया था मैंने घर में जाकर लगाया और कुछ समय के बाद 10:30 बजे की अरिंद में बच्चा अंदर से लात मारना शुरू कर दिया। जिंदा है, बहुत काम करेगा, अभी शाम को उसकी क्या रिकॉर्ड होगी और रिपोर्ट्स के साथ आएगी शाम को, उसके हमने उसको इंटरव्यू उसकी गवाही लेनी है। तो परमेश्वर ने देखो, परमेश्वर तुम्हारी ध्यान करता है, परमेश्वर आपका ख्याल करता है, परमेश्वर आपके लिए राह निकालता है, लेकिन भाई बहन हम दुनिया के बातों में लाकर चिंता करके हम इतने परेशान में हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या हमारा जीवन में होने वाला है, हम बहुत परेशान में रहते हैं। लेकिन जो सृजनहार परमेश्वर ने आपको बनाया है, आपको सृष्टि किया है, वो कहता है अपना बोझ मुझ पर डाल दे, अपने चिंता मुझ पर डाल दे, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, पहली पत्रुस का किताब 5:7 में लिखा है, यही वचन ने मुझे खड़ा किया है। मैं जब प्रभु में पढ़ने लगा मेरे जीवन में, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, मेरे जीवन में मैं
चाहे जहां से भी हो, यदि कॉलेज के लिए फीस देना पड़ेगा, मैंने बोला मेरे पास कोई नहीं है। मैंने बोला मेरे मामा जी है, बोलते हैं तेरा मैंने तुम्हें मैंने वचन पढ़ने के लिए तुम्हारा कपड़े वस्त्र में दे सकता हूँ, तुम्हारा किताब वगैरह में तुम्हारा खरीद दे सकता हूँ, और तुम्हारी साबुन पानी का इंतजाम कर दे सकता हूँ, मेरा भी कलीसिया अभी छोटा है, फीस में नहीं दे सकता हूँ। मामा जी ने ऐसे बोला। लेकिन मैं समय से चिंता में, मैं भी चिंता में था, जब आर्थिक स्थिति आपकी हालत खराब कभी कभी ऊपर नीचे होती है, उस समय में मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया, प्रभु ने बोला कि चिंता तूने बोला अपने जो चिंता है मुझ पर डाल, मैं तेरा ध्यान करूंगा। ये वचन मेरे जीवन में आया, और ये वचन जब मेरे जीवन में आया, मैंने इधर उधर की बात सोचना छोड़ दी। यदि तेरी मर्जी है प्रभु, ये कॉलेज में पढ़, प्रभु का वचन पढ़ना है तो मुझे रखेगा। अब मेरा प्रिंसिपल कहता है कि 2 महीने के बाद तुम्हें फीस पर इंतजाम नहीं हुआ, अपना वचन तू पढ़ नहीं पाएगा। जब मैंने परमेश्वर के वचन में इस बात पर ध्यान रखा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यही वचन मेरा, जब रात को प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे बोला तू अपना, तू क्यों चिंता में है, तू अपना चिंता मुझ पर डाल दे, मैं तुम्हारा ध्यान करूंगा। जब ये बात वचन मेरे मन में आया, मैंने प्रभु पर भरोसा रखा। 2 महीने के बाद वही प्रिंसिपल बोलता है तेरे लिए कोई बंदा सपोर्ट करने के लिए आ रहा है, और सपोर्ट करेगा, तू वचन पढ़ेगा। सचमुच में वह परमेश्वर का धन्यवाद, वहां से मेरा विश्वासी जिंदगी में मेरा खुदा जिंदा है, मेरा ध्यान करने वाला जिंदा है, मेरे लिए राहत निकालने वाला खुदा जिंदा है। इसलिए मेरा भरोसा हुआ परमेश्वर पर, मैं प्रभु पर निर्भर होना शुरू किया, मैंने प्रभु पर अपना भरोसा रखना शुरू किया। और आज तक भी मैं एक एक चीजों के लिए खुदा के, मैं अब किसी को नहीं बोलता हूं, मेरे मन में यह होता है खुदा परमेश्वर मेरा उपाय करने वाला है, राह बनाने वाला है, एक परमेश्वर सारे जहां को बनाने वाला, वो मेरा भी मददगार है, बोलकर मैं परमेश्वर में निर्भर रहता हूँ। कहां से क्या जरूरत है, कहां से तेरी परिवार संभाल जाती है, कहां से कुछ होता है, मैं नहीं जानता कुछ, मेरा भरोसा मेरा निर्भर मेरे खुदा पर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहन यहाँ आए हो, तुम सोचोगे मैं स्मार्ट हूँ, मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरा इससे मेरा जीवन संवरेगा, नहीं नहीं, तुम्हारे अंदर में चिंता पड़ी रहेगी। लेकिन चिंता आएगा, बोलोगे इस बात के लिए चिंता है, प्रभु के वचन में लिखा चिंता मत कर, परंतु अपने चिंताओं को, अपने पर अपने मुश्किलों को विनती प्रार्थना और निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आ, वो परमेश्वर तुम्हें संभालने वाला है। हालेलुया। लिखा हुआ है फिलिपी का किताब 4:6 में परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आज मैं राह बताने जा रहा हूं आपके लिए क्या है भाई बहन, जब यीशु में आए हैं, विश्वास किया है, लेकिन वो चिंता नहीं छोड़ती है, वो परेशानी हमें नहीं छोड़ रही है, वो तकलीफ नहीं छोड़ रही है, वो बीमारी नहीं छोड़ रही है, कर्जा नहीं छोड़ रहा है, समस्या नहीं छोड़ रही है, ये क्यों है, ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम जब चिंता हो जाते हैं, कोई चर्चाना छोड़ देता है, कोई क्या बातें बहाना बनाता है, कोई क्या बातें बनाता है। लेकिन भाई बहन, यदि आप ये चिंता से मुक्त होना चाहता है, जब आप परमेश्वर में बढ़ना चाहता है, प्रभु यीशु ने 3 बार बोल दिया कल के लिए तुम्हें चिंता नहीं करना, परमेश्वर कहता है क्या खाएंगे, क्या पाई पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसीलिए चिंता नहीं करना, देख उन लिली फूलों को देख, मैं कैसे उन लोगों के लिए वस्त्र पहनाता हूँ, उन चिड़ियों को देख, मैं उन लोगों के लिए खाना खिलाता हूँ, तू तो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है। हालेलुया। इसलिए भाई बहन विषयी होकर चलना आसान है, लेकिन बहुत दफा भरोसा निर्भर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी चीज आपके जीवन में हो गया, आप इधर उधर देखने लगेंगे, कौन मेरा मदद करेगा, कौन मुझे सहायता करेगा, नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन संहिता में लिखा है, उसकी 55 अध्याय की 22 आयत में लिखा हुआ है, अपना बोझ मुझ पर डाल, मैं तुम्हारा ध्यान करता हूं, परमेश्वर ने कहा है। इसलिए भाई बहन, हो सकता मैं नहीं जानता हूं कितनी समस्या चिंता में है, किसी को जॉब की समस्या है, किसी की शादी की समस्या है, किसी की चिंता है, अलग अलग प्रकार की चिंता है। लेकिन जब आप ये 3 चीजें, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, मैं 3 चीज फटाफट बोलना चाहता हूँ, ये 3 चीजें मुक्त कैसे हुए, मसीह बन गया 10-12 साल हो गया, लेकिन कोई भी बात कोई बोल देता है, बहुत टेंशन होता है, रात को नींद नहीं आता है, खाना मन नहीं होता है, किसी से बात करना मन नहीं होता है, बहुत सारी परेशानी आती है, क्यों ऐसा होता है? हम सोचते हैं कि मैं चिंता में खुद ही क्या करूंगा, इसको समाधान करूंगा, मैं अपने खुद समाधान, नहीं भाई बहन, आपकी ताकत इतना ताकत नहीं है जो चिंताओं को हरा सकेगा,
लेकिन जब खुदा के साथ आप भरोसा करेंगे, उस पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा, परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करेगा। यह विश्वास निर्भर रहने से होता है। इसराइली लोगों को क्या सिखाता था परमेश्वर? इसराइलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया परमेश्वर, रास्ते में जंगल में क्या हो गया? उन लोग कहते हैं परमेश्वर को कोसने लगे और प्रभु के दास को कोसने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, हमें तो वही मिस्र में गुलाम अवस्था में थे, लेकिन हम वहां पर मांस खा रहे थे, हड्डी खा रहे थे, मरने से भी हम वहां ठीक थे, हमें ये जंगल में मरने के लिए लेके आया, बोलकर वो बुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन परमेश्वर उनके लिए वो रास्ते में भी, वो जंगल में भी परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना खिला रहा था, उनके लिए मांस खिला रहा था, परमेश्वर चट्टान से पानी पिला रहा था, ऐसा खुदा। लेकिन वो लोग क्या हुआ? चिंता हो गया था, हम क्या खाएंगे ये जंगल में, क्या होगा हमारा जंगल में, जंगल में क्या पहनेंगे हमें जंगल में। बहुत परेशान में थे इसराइली लोग, चिंता में भरे हुए थे, बुड़बुड़ाते। जब चिंता होती है आप बुड़बुड़ाने लगे जाएंगे, जब मुश्किलें चिंता होती है आप दूसरे के बारे में, या बहुत ही चीजें हमारे जीवन में आती है भाई बहन। लेकिन आपने सब चिंताओं को, पहली बात अपनी सारी बोझ को प्रभु पर डालना है। पहली बात परमेश्वर के वचन हमें बोलता है, ये देखो यीशु मसीह भी कह रहे हैं और बाइबल भी हर एक बात में आप देखिए चिंता ना करो ऐसी बातें बताई गई है। चिंता ना करो क्यों बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? ये बहुत बड़ा डेंजर बीमारी है, सोच का बीमारी, सोच का बीमारी है हमारे जीवन में। बंदा आगे बाहर में तो रिष्ट पुष्ट देखता है, अंदर में खोखला हो जाता है जब सोचने लगेगा, जब चिंता आदमी के जीवन में आना शुरू करेगी, आदमी का जीवन खत्म कर देगा, ये तो चिंता बना देता है। एक बार क्या हुआ, एक गली में मौत घूम रहा था, एक आदमी से मिला और आदमी से मिलने के बाद वो मौत ने बोला, मैं इस शहर के 100 लोगों को मैं इनकी जान मां खतरे में जिन पर लेने वाला बोला था। और उसके बाद उस आदमी बहुत चिंतित हो गया, ये शहर में ये गांव में मोहल्ले में 100 लोगों का जो जान था वो लेने के लिए बोला है, बोला। लेकिन दूसरे दिन उस आदमी ने सबको बता दिया, ऐसा होने जा रहा है, मौत से मेरी मुलाकात हुई है, ये 100 लोगों को हमारे ये इलाका से खत्म करने जा रहा है। तो ये बातें उसने फैला दी। दूसरे दिन जो न्यूज़पेपर में आया, अखबार में आया कि 1000 लोग मर गए, उसने बोला मौत, उसने याद आया, ये बोलता है 100 लोग को मैं जान ले लूंगा। लेकिन आज न्यूज़ अखबार में आया कि 1000 लोग मर रहे हैं। उसके बाद दूसरे दिन वो जो आदमी से ऐसे गली में चलते अपने घर की ओर जा रहा था, तो वो मौत फिर मिल गया। मिलने के बाद उसने प्रश्न किया, आपने कहा कि 100 बंदे का तुम्हें जान ले लूंगा ये गांव में, लेकिन आज तो अखबार में आया 1000 लोगों का जान खत्म हो गया, ये कैसे होगा? उनके सवाल किया उस मौत से, तो मौत कहता है मैंने जो बोल दिया मैंने वो काम किया, मैंने तो 100 बंदे को मारने के लिए मैंने बोल दिया था तेरे से, 100 बंदे यहां पर मारने के लिए कोशिश को, मैंने 100 बंदे मरे हैं, बाकी क्या हुआ? बाकी मरने के हिसाब से और बाकी तो सब लोग चिंता की वजह से मर गए, बाकी चिंता की वजह से 900 लोग चिंता की वजह से मर गए, 100 बंदे तो उसने मार दिया मौत नहीं, लेकिन ये सुना मेरा मौत होने वाला मैं मरने वाला हूं, मरने वाला वो सब बाकी ऐसे मरे हुए हैं। देखो इतना ताकत है चिंता, ये जो चीजें, इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर में मैं बहुत धन्यवादी हूं परमेश्वर को पाकर कि मेरा सॉल्यूशन हो गया, मेरे लिए परमेश्वर ने रास्ता निकाल दिया, मेरे लिए मैं मुझे मेरे जीवन में और चिंता आएगी, हर एक जीवन में आपके समय में आएगी, लेकिन पहली बात आपने जानना है अपने बोझों को परमेश्वर पर डालना है। पहली बात है बोझ, चिंता की बोझ हो, मुश्किल की बोझ हो, बीमारी की बोझ हो, तकलीफ की बोझ हो, ये चीजें परमेश्वर पर डालना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अपनी चिंता न करो परंतु अपनी सारी बोझों को, समस्याओं को विनती प्रार्थना करके परमेश्वर की हजूरी में लेके आओ। आपको लगता है कि क्या होगा, प्रार्थना करने से क्या होगा, चर्च में जाकर दुआ, पास्टर से दुआ कराने से क्या होगा, ऐसा सोचते होंगे कभी कभी, ये क्या होगा। लेकिन आप भाई में अभी मैंने मिराकल बता दिया ना आपको, वो भी सोची होगी, चलो उसे भी विश्वास कितने समय से चर्च नहीं आ रही थी, लेकिन आया है, खुदा ने लेके आया उसको, वो क्या होगा? डॉक्टर ने तो बोल दिया हम बच्चा पेट में मर गया है, अभी तेरा जान बचाएगी, बच्चा को निकाले, ये बोल दिया है, मैं तो ऐसा हो गया। लेकिन जब आकर दुआ करा कर गई,
परमेश्वर वो वहीं पर डॉक्टर ने तो आने नहीं दिया, बोला इसको ऑपरेशन करके इस बच्चे को निकालना है, बोल के बता रहा था। लेकिन वो खुदा जिसने आपको और मेरा ध्यान करता है, जो खुदा की अपनी इबादत कर रहे हो, जिस खुदा के पीछे चलने के चल रहे हो, वो खुदा आपका ध्यान करता है, आपका चिंता करता है, वो आपको चिंता करता है। लेकिन वो चाहता है कि मेरा बेटा बेटी अपनी सारी चिंताओं को मेरे पास में लेके आए। जब उसके पास आप चिंता को लेके आते, बोझ को लेके आते, परमेश्वर आपके लिए राह निकालता है। हालेलुया। आपने सोचोगे मुझे कोई जरूरी नहीं है, मुझे कोई जरूरी नहीं है, ये अपने आप टल जाएगा। भाई बहन अपने आप टलेगा नहीं टलेगा मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन खुदा अपने आपकी परेशानी को, आपकी चिंताओं को दूर कर सकता है। इसलिए हमें उस पर भरोसा करना है, निर्भर रहना है। बाइबल में प्रभु यीशु ने जो बताया है, दो बातें बहुत ही ध्यान दें, सब शुरू से लेकर अंत तक दो बातें। एक तो प्रभु ने बोला है आज्ञा, ये आज्ञा खुदा ने आपको मुझे मानने के लिए दिया। दूसरी बात प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा मतलब खुदा ने आपको और मुझे उस पर निर्भर रहने सिखाया। जो प्रतिज्ञा प्रभु ने वचन में किया है ना भाई बहन, वो प्रतिज्ञा पर आपको और मुझे निर्भर रहना है, वो मेरे लिए बोला है। एक तो बात पहली बात मानना है, और दूसरी बात परमेश्वर पे जो प्रतिज्ञा है उस पर निर्भर रहना है। मैं हम लोग आप कैसे आज ऐसे चिंता से मुक्त रह सकते हैं, अपने ताकत से नहीं होगा, यह वचन में लिखा है, प्रभु कह रहा है शुरू से लेकर अंत तक, पुराने से नियम से लेकर नए नियम तक प्रभु यही कह रहा है, चिंता मत कर, मुझ पर भरोसा कर, मुझ पर निर्भर रहो, अपने खुद में निर्भर न रहना, मुझ पर निर्भर रहो। जब उस पर हम निर्भर रहते हैं भाई बहन, तब हमारे लिए परमेश्वर राह निकालता है, तब परमेश्वर आपकी चिंताओं को दूर करता है। यदि हम जब तक उस पर निर्भर नहीं रहते हैं, जब तक हम अपने खुद में निर्भर रहते हैं, मैं खुद ही संभालूंगा बोल के निर्भर रहते हैं, हमारी स्वास्थ्य भी बिगड़ जाएगा, हमारा परिवार बिगड़ जाएगी, हमारा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतनी अच्छी उदाहरण दी है, घर में जाकर पूरी पढ़ लेना आप लोग, बहुत ही अच्छी उदाहरण दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। कल के लिए भी चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे इसके लिए चिंता मत करो, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। लेकिन हमें चिंता मत करो तो चिंता तो ये आ जाता है, यदि आपका बच्चा मर रहा है तो आप उसकी चिंता न करके क्या करेंगे, और डॉक्टर ने आपको जवाब दिया कि तुम्हारा बच्चा मर रहा है तो चिंता तो आएगी ना। लेकिन क्या करना है कि आपको और मेरा भरोसा, हमने इसलिए प्रभु को पाया है कि उस पर भरोसा करना है, हमारा जीवन को बनाने वाला वही है, हमें उस पर निर्भर रहना है। जब आप और मैं ऐसे करके जिंदगी जीते हैं, जिंदगी जीना आसान है, आसान होगा। नहीं मैं खुद जीऊंगा, चर्च में जाऊंगा सब कुछ करके, लेकिन खुद जीऊंगा सोचेंगे, जिंदगी जीना बहुत मुश्किल है। रास्ते में हम क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हमारा विश्वास क्या हो जाता है, हम खराब हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति ने ऐसा लिखा, जब तुम चिंता करते हो तुम परमेश्वर से दूर हो जाते हो, जब तुम चिंता करते हो तुम परमेश्वर से दूर हो जाते हो, जब तुम परमेश्वर के नजदीक निर्भर रहते हो तो तुम चिंताओं से दूर हो जाते हो। तो परमेश्वर में आप निर्भर रहना शुरू करेंगे, परमेश्वर में विश्वास करना शुरू करेंगे, तो आपका तो चिंता है दूर होना शुरू करेगा, और परमेश्वर आपकी स्वास्थ्य अच्छे रहेगी आपकी। देखो मैंने एक लेख में पढ़ा, जब ये वचन तैयार कर रहा था, अभी अमेरिका में कम से कम बहुत सारे लोग इतने धन दानते से देश दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है, और यहाँ के सारे बीमारी लोग ऐसे टीवी से बीमारी लगा कर नहीं मरते, ऐसे कैंसर और दूसरी बीमारी से नहीं, इनके सबसे बीमारी है, डॉक्टर पता लगाया इनकी चिंता होने की वजह से इनके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती है। अमेरिका जैसा देश, उनके लिए क्या पैसा का चिंता है, पैसा सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन बहुत तो चिंता है जो सोच में आ गया, ये बड़ा रोग बनकर बहुत सारे का बीमारी बनकर उन लोग मर जाते हैं। इसलिए हम तो कुछ भी नहीं है, खुदा ने आज ऐसे मौका दिया है, भाई बहन आपको मूल्यवान बनाया है, आपको और मुझे उस पर भरोसा करना है, उस पर निर्भर रहना है, और यही आपके लिए एक बहुत मुक्त होने का, फ्री होने का चिंता से यही इलाज है। कोई डॉक्टर के पास जाओ कोई इलाज नहीं है, चिंता का कोई इलाज नहीं है डॉक्टर के पास में, जाओगे वहां बोलेगा ये है, आज कितने लोग
बहुत सारे लोग आज टेक्नोलॉजी आया, मोबाइल आया, आज पहले भी यीशु मसीह के समय में भी लोग चिंता करते थे, आज और ज्यादा आज के जवान लोग, हम सब लोग आज दुनिया में और ज्यादा चिंता बढ़ गई है, आज बहुत ज्यादा चिंता बढ़ गई है, जहां पर भी जाओ चिंता ही है, जहां पर भी जाओ मुश्किल है। लेकिन आपने और मैंने सीखना है, मेरी चिंता को परमेश्वर में डालेंगे, परमेश्वर में रखना है और परमेश्वर ध्यान करेगा, परमेश्वर संभालेगा। परमेश्वर कहता है प्लान बनाओ भविष्य, भविष्य के लिए प्लान बनाना आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन भविष्य के लिए तुम चिंता कर रहे हो ना, ये गलती है। भविष्य के लिए, कल के लिए आपको चिंता नहीं करना है, कल हम क्या करें। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, नीति वचन उसके 16 आयत का 3 आयत में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, कल के लिए अपने जो योजना बनाते हैं ये परमेश्वर पूरा करेगा, और परमेश्वर ही इसको क्या करेगा, पूरा करेगा। चाहे बिजनेस के लिए योजना बनाते हो या कोई भी चीज के लिए आप योजना बनाते हैं कल के लिए, और ये परमेश्वर में डालते हैं, परमेश्वर संभालेगा। लेकिन कल के लिए आप चिंता ले रहे हैं, कल के लिए मेरे बच्चे क्या होंगे, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, तो परमेश्वर का वचन में आज लिखा हुआ 16 आयत का 3 आयत में लिखता है, मनुष्य का सारा क्या लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आमेन। अपनी योजनाएं जो है प्रभु पर डालना है, आपको चिंताएं प्रभु पर डालना है, बोझ आपने परमेश्वर पर डालना है, वो आपके लिए राह खोल देगा, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। इतने बहुत सारे उदाहरण है, जब इजरायली लोगों को मूसा लेके जा रहा था, तो रास्ते में आए लाल समुद्र आ गया, और बाहर जाने उधर जाने के लिए रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, बहुत लोग चिंता में थे। जब मूसा ने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु ने कहा कि अपनी लाठी को उठा इस समुद्र पर डाल दे, और उनके लिए राह बन गया। हालेलुया, परमेश्वर राह बनाएगा। यदि आज हम आप और मैं चिंता में पड़े हुए हैं, कोई भी बात आपको यहाँ पर मन में जहान में समस्या में पड़ रहा है, लेकिन भाई बहन आज अपने आप को प्रभु में आप जब डालेंगे, प्रभु पर सुनेंगे, मेरा प्रभु ऐसा परमेश्वर नहीं कि जो वादा कहता है और वो पूरा ना करेगा, यदि नहीं करेगा वो झूठा ठहरेगा, तो हमारा विश्वास ही होना बेकार था। लेकिन परमेश्वर ने शुरू से लेकर आप तक जो वादा, जो प्रतिज्ञा किया है, वो आपके और मेरे जीवन में वो पूरा हुई, वो आपको कभी टलना नहीं देगा, इसलिए प्रभु का वादा है। आए अपने पैरों पर हम सब खड़े हो जाएंगे और मिलकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता हूँ आज किस भाई और बहन यहाँ आए हो, आपके मन में कुछ जो भी प्रकार की चिंताएं हैं, लेकिन आप आज प्रभु के भवन में आए हो, आपके लिए ये वर्ड्स आज निकला है परमेश्वर का वचन। हो सकता है भाई बहन आपके लिए एक बहुत बड़ी एक चमत्कार है आज, यदि ये वचन को आपने सुना है, अपने मन में रखा है कि सचमुच में मैं ऐसी हालत में हूँ, ऐसी परेशानी में हूँ, मेरे मन में बहुत सारी बातें चल रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, एक ही बात कह सकता हूँ, अपनी चिंता को प्रभु पर डाले आज और बोले प्रभु मेरे लिए तूने राह निकालेगा, मेरे लिए परमेश्वर आप चिंता से मुक्त करेगा, मेरा जीवन तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूँ, दुनिया की बातें मेरे जीवन में आकर कोई कुछ नहीं होने वाला, प्रभु तू करने वाला। जब आप परमेश्वर में भरोसा करोगे, मैं नहीं जानता हूँ कहाँ से आपके लिए राह खोलेगा वो खुदा, और आपके लिए बहुत बड़ा आशीष परमेश्वर देगा। आपके जब जब चिंता आपके दूर से जीवन से चले जाएगी, तो परमेश्वर तब परमेश्वर की शांति आपके मन में आएगा, तब परमेश्वर की खुशियां आपके मन में आएगा, और प्रभु यीशु में आपका जीवन सुरक्षित रहेगा।